तो फ्रेंड्स हम लोग का लैंप नहीं जल रहा है, हमने सेल्फ का यूपीए किया और लैंप नहीं जल रहा है। डस्ट पड़ा हुआ है, देखिए इसी जगह हम लोगों का शॉर्ट सर्किट हो गया है। देखिए यहाँ हम लोगों का शॉर्ट सर्किट चिपक के बैठा है। तो फ्रेंड्स यानी कि हम लोग का लैंप जल चुकी है, अब बाइक में स्टार्ट भी हो जाएगा और यानी कि चार्ज भी होगा बाइक। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया है बजाज कंपनी का पल्सर BS6 बाइक। और इस बाइक में क्या हो रहा है, तीन बैटरी चेंज कर दिया है और बैटरी का जो दुकान है वहाँ गए थे और बाइक वाला जो है उसको बोल रहे कि आप ख़राब बैटरी दे रहा है और मेरा बाइक बार बार बैटरी डिस्चार्ज हो जा रहा है। अब मेरे पास आया है, मैंने फ्लिपकार्ट का लगाया है। तो फ्रेंड्स हर कोई बैटरी जो होता है 2 साल वारंटी दिया जाता है। और वारंटी क्यों दिया जाता है, बैटरी अगर ख़राब होता है तो कंपनी रिप्लेस करके देते हैं, बट बाइक में अगर प्रॉब्लम हो तो जितना भी हम लोग अच्छा कंपनी बैटरी लगा दे फिर भी हम लोग का बैटरी बैठ जाएगा। रीज़न क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस बाइक में जो हुआ है एक्चुअली, जो बाइक में बैटरी क्यों बार बार चार्ज हम लोग का नहीं दे पा रहा है, तो आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो स्टेप है हम लोग चेकअप करेंगे जो बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, यानी कि जो आर्मेचर कॉयल है वही हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए पकड़िए। तो फ्रेंड्स ये जो कपलर दिख रहा है ये हम लोग का आर्मेचर कॉयल से आएगा वोल्टेज, एसी वोल्टेज, वही हम लोग चेकअप करेंगे। यानी कि हमने दो पीला जो वायर है इसमें लैंप लगाया है और स्पार्क प्लग का जो कैप है मैंने दोनों खोल के रखा है। बाइक स्टार्ट हो जाएगा तो अगर आर्मेचर कॉयल सही रहने से लैंप हम लोग का उड़ जाएगा। तो एक चीज़ चेकअप करते वक्त दोनों कैप को खोल लीजिएगा। अब सेल्फ का ईपीएक करेंगे और यहाँ हम लोग टेस्टिंग करेंगे, पहला टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स हम लोग का लैंप नहीं जल रहा है, हमने सेल्फ का ईपीएक किया और लैंप नहीं जल रहा है। तो चलिए बाइक को बंद करते हैं और तो चेकअप करेंगे आर्मेचर कॉयल से वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है उसी वायर पर। तो वीडियो में आप लोग जुड़ा रहिए। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया है और यहाँ देखिए डस्ट पड़ा हुआ है। देखिए इसी जगह जो है डस्ट पड़ा हुआ है, पतला स्क्रू ड्राइवर। देखिए फ्रेंड्स इसी जगह हम लोगों का शॉर्ट सर्किट हो गया है। देखिए यहाँ हम लोगों का शॉर्ट सर्किट चिपक के बैठा है। इसी जगह तो क्या करेंगे, चलो अच्छी तरह से हम लोग पहले चेकअप करते हैं उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ जो कॉइल हम लोग का चलेगा कि नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो वायर है ये वायर यहाँ चिपक गया था। देखिए मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। देखिए ये वायर, अब ये वायर यहाँ चिपकने के कारण क्या हुआ है, जो हम लोग का नेगेटिव पॉजिटिव है दोनों वायर एक हो गया था ये वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इस वायर को और यहाँ का साथ हम संपर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ इसको जॉइंट जो है उसी पोजीशन में हम लोग रख देंगे गाइस, क्योंकि ये वायर अगर वहाँ चल जाएगा, अगर इसका साथ टच हो जाएगा यहाँ से ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। तो इसे हम लोग क्या करें, थोड़ा लैबलेशन करेंगे, ब्लैक टेप दीजिए जाइए। चलिए इसे ओपन करते हैं और अच्छी तरह से हम लोग शॉर्ट करके कनेक्शन को ठीक करेंगे जिसमें कि यार बॉडी ना हो और हम लोग का बाइक में जो वोल्टेज है वो तेज से आने लगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग कटेंगे, कटने के बाद इसका साथ हम लोग ज्वाइंट करेंगे। तो चलो तैयारी करते हैं। आज मैंने यहाँ ज्वाइंट कर दिया है, अब ये स्लिपिंग जो है यहाँ हम लोग अटैच कर देंगे।
अब यहाँ हम लोग इसको तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ओम चेकअप करेंगे। मल्टीमीटर दीजिए तो का कितना आ रहा है, 1.2 1. जिससे कि 1, तो यहाँ 200 ओम से रखेंगे हम लोग, इसका रेजिस्टेंस चेकअप करेंगे। अगर खाली 9. आते हैं, 1.2 आते हैं, 1.1 आते हैं तो ठीक है हम लोग का। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले हम जब अटैच करेंगे देखिए 1. क्या आएगा, 1.8, अभी 7 आ रहा है। तो जितना कम आएगा उतना हम लोग का बेहतर मिलेगा। तो अभी 6 आ रहा है, यानी कि हम लोग का आर्मेचर कॉइल एकदम परफेक्ट हो चुकी है। तो चलिए अब हम लोग फीडिंग करेंगे कि एक्चुअली हम लोग का काम बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर नया लगाएंगे। तो चलो फीडिंग करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चेकअप करेंगे जो एक्चुअली हम लोग का वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं। तो चलो सेल्फ का उपयोग करो। तो फ्रेंड्स यानी कि हम लोग का लैम्प जल चुकी है, अब बाइक में स्टार्ट भी हो जाएगा और यानी कि चार्ज भी होगा बाइक। तो चलो हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं, करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। कब करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी वर्तमान जो बाइक में बैटरी का वोल्टेज है 13 वोल्ट 19 पॉइंट दिखा रहा है। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, बाइक को स्टार्ट करेंगे। यहाँ 14 वोल्ट हम लोग को लाना है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए 14 वोल्ट हम लोग का हो चुकी है, यानी कि बाइक में बैटरी का जो समस्या था समाधान हो चुकी है। तो चलो बंद करते हैं और आप लोगों को डिटेल दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर बाइक में बैटरी चार्ज ना दो तो सबसे पहले आप लोग चेकअप कीजिए, क्या जो बाइक में जो आर्मेचर कॉइल है यहीं से हम लोग का वोल्टेज आता है आरआर यूनिट पर। यहाँ आरआर यूनिट दिया गया है, तो इसका जो हम लोग का इनपुट वायर है, कोई भी बाइक में इनपुट वायर होता है और आउटपुट वायर होता है, तो इनपुट वायर में हम लोग को एसी वोल्टेज आएगा आर्मेचर कॉइल से। वो वोल्टेज पहले चेकअप कर लीजिए, अगर लैंप हम लोग का तेज से जल रहा है तो आर्मेचर कॉइल सही है, अगर लैंप हम लोग का वोल्टेज लो जल रहा है तो आर्मेचर कॉइल शॉर्ट हो गया है, अगर टोटली लैंप नहीं जल रहा है तो भी ख़राब हो गया है। तो ख़राब पोजिशन में हम लोग को नया लगाना पड़ता है, अगर कहीं चिपक जाता है वायर कट जाता है तो हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ वोल्टेज आने के बाद आरआर यूनिट पर अगर हम लोग का घुसता है, घुसने के बाद अगर आउटपुट नहीं निकलता है तो वो कैसे चेकअप करें। तो फ्रेंड्स यहाँ जो रेड कलर की वायर है, रेड कलर की वायर में आउटपुट वोल्टेज आएगा वो डायरेक्ट बैटरी होके जाएगा। बैटरी अगर बाइक में ना रहेगा तो पूरे बाइक में हम लोग का डीसी वोल्टेज देगा। तो स्टार्ट करने के बाद बैटरी का प्लस कनेक्शन को खोल के और रेड कलर में आप लोग लैंप लगा के देखिए वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर लैंप नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोग यहाँ मल्टीमीटर से चेक करो, वोल्टेज अगर आएगा तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और यहाँ से अगर नहीं निकलता है और इनपुट अगर ढुकता है, आउटपुट नहीं निकलता है, तो फिर आप लोगों का आरआर यूनिट ख़राब हो सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी दिया BS6 बाइक की जो बैटरी चार्ज की जो समस्या थे मैंने समाधान किया और आप लोगों को वीडियो के जरिए से आप लोगों को दिखाया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए।